और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूरी स्टार कास्ट जिन्होंने परफॉर्म किया सॉन्ग क्रेजी फोर में। अब उनसे हम बारी बारी पूछेंगे इंटरेस्टिंग सवालात के। अब उनकी फीलिंग्स क्या है जब उन्होंने जो है परफॉर्मेंस के बाद और इतनी ज़बरदस्त उनको दाद मिली है, तो व्हाट डू यू फील मिस्टर चुम्मी बाबू? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत नया एक्सपीरियंस है बिल्कुल। अच्छा, क्लैपिंग बहुत हुई आपके काम पे और बहुत पसंद किया गया आपके काम को, तो फ्यूचर में क्या इरादे हैं आपके? इसी तरह के करेक्टर्स करेंगे या बहुत ही पागल साइंटिस्ट वाला करेक्टर करेंगे जो उन्होंने किया? पर्सनली मुझे अपना करेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद था शुरू से ही, तो टू बी वेरी फ्रेंक मैं इस टाइप को थोड़ा हूँ, थोड़ा दिल फेंक कह लें मुझे या थोड़ा फ्लटर कह लें, तो मुझे भी मज़ा आया करेक्टर करने में ये, और बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था और कैमरे को फर्स्ट टाइम फेस कर रहा था तो बहुत। एक चप्पल आई थी उड़ती हुई, एक और जूता आया था, वो क्या था सीन? वो सीन कुछ यूँ था कि वो थोड़ा सा मैं शुरू से नर्वस होता तो मैं सही एक्ट नहीं कर पा रहा था, तो बिहाइंड द कैमरा में तो बहुत बोल रहा था कि यार कोई मसला नहीं है कर लूँगा बहुत ईजी होता है, लेकिन जब कैमरा फेस किया तो बहुत ज़्यादा मैं कन्फ्यूज था, तो बार बार रीटेक हो रहे थे मेरे, तो सलमान को गुस्सा आ गया थोड़ा सा मेरे पर, तो इस वजह से वो एक। अच्छा, कैसे डायरेक्टर हैं सलमान, कैसे डायरेक्टर हैं ये पता? नहीं, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिएटिव पर्सन है सीरियसली, और बहुत मज़ा आया हमेशा काम करने के साथ। उनका गुस्सा कैसा होता है? गुस्सा जो होता है वो जायज़ ही होता है, क्योंकि जब हम लोग सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, एक चीज़ समझाई जा रही है कि इसको उस तरह से करना है, उसको लेके चलना है इस तरह से, तो हम लोग नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा उसको मजाक में ले रहते हैं, तो फिर ऐसे पे गुस्सा आता है। वसीम, आपसे मैं थोड़ा सवाल करूँगा, एक क्वेश्चन करूँगा कि एनिमेशन में आपके पास सारा काम था जो भी एडिटिंग, मेरे ख्याल में अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो आपने अपने काम पे ज़्यादा तवज्जो दी या दूसरों लोगों को भी जो कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी? बेसिकली तो मैंने अपने काम को ही मकसद जहन में रखना था, लेकिन जब हम शूट कर रहे थे तो हमें सबसे पहले मुझे अपने करेक्टर में बिल्कुल रहना था। उस वक्त मैं एज अ एडिटर नहीं, एज अ एक्टर, तो मुझे अपने मकसद करेक्टर में मुझे वही सारी क्रेजीनेस, वही सारी जो आप कहेंगे कि एक पागल साइंटिस्ट की क्या सिचुएशंस होती है, तो मैं उस वक्त वैसे ही फील करता था। और एक लाइटली के मकसद वो इस टाइप का था कि जो भी हाथ होते थे उसके उसी वक्त वो फौरन रिएक्ट करता था, अपनी चीज़ों को फौरन लोगों पे अप्लाई करता था। तो शुरू में तो शूटिंग में तो फिर हम सारे इस तरीके से थे, फिर नेक्स्टली मकसद सेकंड करेक्टर मेरा एडिटर का था, फिर एडिटिंग में, फिर एडिटिंग के सेंस से मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना था, पर उसमें फिर ये ऑल ओवर सबको फोकस रखना पड़ता था कि किसी की वैल्यू कोई डाउन ना हो जाए, कोई वीक पॉइंट हमारा रह ना जाए, या कहीं से हम कोई ऐसा लूज पॉइंट हम अपनी तरफ से ना जाने दें कि जिसकी रिएक्शन कोई टेक्निकल पर्सन हमारे को आसानी से। तो हमने तो अपनी तरफ से मकसद पूरी कोशिश करी कि एज अ एडिटर, एज अ एक्टर के मकसद अपना फुल स्ट्रेंथ दे सकें, और लोगों ने मकसद उसको अप्रिशिएट भी करा। आप बताएं आपकी परफॉर्मेंस जो थी अभी, क्लैपिंग बहुत हुई जी जब ये सॉन्ग डिस्प्ले हुआ, तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं? आप फीलिंग्स तो बिल्कुल नो डाउट, कोई वर्ड्स ही नहीं है उस फीलिंग्स के लिए, तो बाकी ये है कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, यादगार रहा, और पहले एक्सपीरियंस जितना यादगार और इतना हमें अप्रिशिएट किया जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम ज़रूर और ट्राई करेंगे इसके अंदर। बाकी फीलिंग्स तो मेरी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मेकअप पे कितना टाइम लगा? मेरे मेकअप में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जैसे मेरा रंग जख्म का निशान था, मेरा फेयर था, सो इतना ज़्यादा नहीं, बट मेरा ये जख्म के वो जो उन्होंने बनाया, बाकी उसको अगले से नेक्स्ट डे शूट करते थे तो हटाते थे, फिर दोबारा उसको बनाते थे, तो उसमें तो और कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व थी कि उसको उसी जगह पे लगाना? वो टेक्निक तो नहीं, आई थिंक वो तस्वीर, पहले मेरी तस्वीर खींची थी उसी दिन, फिर वो अगले दिन उसी तस्वीर को देख के वो निशान बनाने का। मेकअप हमारे जो आर्टिस्ट थे उनको उन्होंने। अच्छा, रिहर्सल्स कितनी थी? रिहर्सल्स कितनी की आपने? रिहर्सल्स ऐसा होता था, सर्वेज हमारे वो मैं डांस के स्टेप्स बताते थे, बाकी हम लोग शूट के अंदर करवाने बैठ जाते थे, जो भी हमारा भी माइंड है, सलमान भाई का माइंड है, डायरेक्टर हमारे सर्विस का माइंड है, जो भी अच्छा लग रहा है वो हम लोग शूट कर लेते थे उस वक्त। अच्छा, स्टार बाबू, आपके पोजेस मुझे बहुत पसंद आए, रियली बहुत माइंड ब्लोइंग थे और बहुत ही, यानी कि उसमें इन्फ्यूजियसम था, एक जोश था, तो आपके आउटपुट, आप जैसे आपके पोस्टर भी है साइड में, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक किस्म का पोज दिया हुआ है आपने, तो ये पोजिंग किसने बताई? पोजिंग तो वैसे सलमान भाई ने हम लोगों को वैसे ही क्लियर कर लिया था कि तुम मूवीज़ देखो, ओल्ड मूवीज़ देखो कि किस तरह से एक्शंस बना रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो नॉर्मली फिर मैंने अमिताभ और मथन की फिल्में देखने शुरू की उसी टाइम, हालांकि मैं इतनी मूवी नहीं देखता मथन वगैरह की, उस वक्त मैंने मूवीज़ देखनी चाहिए, पोस्टर पोज को थोड़ा नोट किया, फिर बाद में सलमान भाई भी कुछ हमें गाइड करते थे किस तरह से करें, इस तरह से नहीं करें, बहरहाल कर लिया हम लोगों ने, हमने इतनी वो नहीं थी कि हमें इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, इतना ज़्यादा कसम से जिस टाइम क्लैपिंग हो रही थी, यकीन मानेंगे मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, लाइटिंग ऑफ थी तो मैंने कहा मैं अपने आंसू पोंछ लूँ, उसके बाद में दूसरी तरफ कसम से बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा कि हम लोगों के लिए इतनी क्लैपिंग हो रही है और हमारे काम को इतना सराहा जा रहा है, इतना ऊपर लाया जा रहा है,
तो बस फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था कैमरा फिर स्कैनिंग, उसके बाद एनिमेशन का भी मैंने काम फिर किया। एनिमेशन में यही होता था कि हम लोग बैकग्राउंड्स वगैरह डिज़ाइन करते थे, फिर सलमान भाई कहते थे नहीं नहीं ये नहीं दोबारा करो, एक एक सीन के लिए हम चार चार पाँच पाँच बैकग्राउंड डिज़ाइन करते थे, फिर सलमान कहते नहीं ये सिलेक्ट करो, इसमें ये करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो, मतलब ये हम आसान समझ रहे थे जिसे ना, इतना आसान नहीं था। बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी हुई। रिव्यूज हमारे साथ द डायरेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने इस टीम में काम किया और जिसको जिनकी क्रिएटिव आइडियाज बहुत ज़बरदस्त थी, मिस्टर सलमान ईसानी एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल। अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे कब ले रहे हैं? सर मैं एक मूवी बना रहा हूँ, रीमेक कर रहा हूँ ब्लैक। हाँ उसमें आपका एक सीन दिया जाएगा, पूरा ब्लैक में होगा, आपका नाम भी ब्लैक बैकग्राउंड पे ब्लैक टेक्स्ट के साथ दिया जाएगा, उसमें आप हीरो हैं। दैट्स वेरी गुड, मेरे लिए तो ऑनर की बात है कि मिस्टर सलमान ईसानी मुझे ब्लैक बैकग्राउंड में और ब्लैक नाम के साथ जो है वो कर रहे हैं। इसके एक और बात मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपने फर्स्ट टाइम एक आइडिया आप लेके गए पूरी टीम के पास, तो उनको समझ में आई आपकी बात कि आप क्या करने जा रहे हैं? इनके जब हम आपस में सब बैठ के हम प्लानिंग कर रहे थे कि क्या इसको करना चाहिए, इस सॉन्ग को कैसे बनाना चाहिए या क्या नहीं, तो उन्होंने ये सोचा था। मैं तो उनको बाद में मैंने इनके साथ जो इन्होंने मुझे स्टोरी दिखाई बताई कि ऐसे ऐसे करना है, एक हमने सोची कुछ और चीज़ हुई थी बहुत पहले, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं थे, पर आहिस्ते आहिस्ते जब उस पर काम करते रहे आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ हमारे सामने क्लियर होती गई। काफ़ी अच्छा सब लोगों ने, मैं समझता हूँ कि मेहनत से स्ट्रगल से जो हमारा एक सपना है वो तभी पूरा हो सकता है। एक तो टीम वर्क, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क नहीं तो मैं समझता हूँ कि कोई इतना काम नहीं, और आपस में अंडरस्टैंडिंग, मेन चीज़ अंडरस्टैंडिंग की है, टॉलरेंस, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। हाँ ये बात है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि काफ़ी हमारी प्रॉब्लम्स हुई स्टार्टिंग में, जब करेक्टर्स की बात आ रहे थे कि हमने करेक्टर्स को लिया था अशब को, हमें अशब के पास, अशब ने काफ़ी उदास होकर यार कैसे कहते हैं, डर गया था कि मैं वो करेक्टर कर ही नहीं पाऊँगा, मुझसे डांस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, और जबकि इसने परफॉर्म किया, खुद आप देख सकते हैं कि इसने इतना अच्छा काम किया, बहुत क्लास काम किया अशब ने। अच्छा आपकी फेवरेट कास्ट क्या थी, सबसे ज़्यादा आपको जो है किस करेक्टर ने ज़्यादा इंस्पायर किया? अगर मैं चारों करेक्टर्स में देखो ना कि चारों करेक्टर्स में कोई ना कोई अपनी चीज़ में देख रहा हूँ, चुमी मास्टर ठरकी टाइप जैसा तो वो हाँ वो नहीं थोड़ा बहुत सही है। सेकेंड पप्पू बदमाश माशाल्लाह से लव यू, तो हर कह रहे हैं जी हर किसी से पंगा करना मुझ में भी आदत है। स्टार बाबू तो बचपन से एक्टर हैं, जब स्कूल नहीं जाते थे तब भी गिर जाते थे, खामखा एक्टिंग करके स्कूल से बैठ जाते थे, पागल साइंटिस्ट, तो एक तजुर्बे करने का वैसे मुझे भी शौक था। तो ये समझ ले कि इन चारों करेक्टर में अपनी एक छवि मैंने देखी। हाँ वाकई आपकी जो क्रिएशन थी और जो इन्होंने आइडिया दिए, और एक पाँचवा करेक्टर में जो भी था मेरा अवेस था माशाल्लाह से, वो क्या कहें कि एक्टर कम डांसर कम क्या से क्या है मुझे खुद समझ में नहीं आया, जहाँ पर मैं इंटरव्यू में वहाँ पर स्पीचलेस हो गया था, मैं बोल नहीं पाया, नहीं तो काफ़ी कुछ ऐसा बताना था कि जो एडिटिंग के हिसाब जब एडिटिंग में कर रहे होते हैं तब भी वो एडिटिंग में पूरा हिल रहे होते हैं कंट्रोलर एंटर करके। इन्होंने परफॉर्मेंस इतनी एक्यूरेट दी है कि वाकई लगता है कि दे आर प्रोफेशनल्स। परफॉर्मेंस इन्होंने बहुत अच्छी की, मैं समझता हूँ कि एक से बढ़कर एक ने की है, बहुत अच्छा काम किया। मेन करेक्टर तो ये चारों आ जाते हैं, हम तो ग्रेवी में आ गए थे दोनों। परफॉर्मेंस तो बहुत ज़बरदस्त थी, डांस आपको आता है वाकई या आप छुप छुप के करते हैं? सर मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर हम शादी मुरादी में जहाँ दूल बजते थे हम स्टार्ट हो जाते थे, ऐसी कोई शादी नहीं थी हम जहाँ छोड़ते नहीं, ऐसे बस स्टार्ट किया था। काफ़ी ऐसी चीज़ें आगे भी चल के देखेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ भी मैं काम करूँगा। वैसे ब्लैक का तो मैंने मजाक कर दिया, वैसे काफ़ी हमने ऐसे लाइनअप किए हैं प्रोग्राम। अच्छा फ्यूचर में आपका कोई ऐसा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, और आप ये बताएं कि आपका जो सॉन्ग था फर्स्ट 2004 में आया था, उसके बाद फिर 4 ईयर्स का गैप, मेरे ख्याल में 2-3 ईयर्स का गैप आप देते हैं, फिर आप एक दो साल और टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर टू ब्रिंग दिस सॉन्ग इन टू लाइफ, तो एक साल कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं है काम के हवाले से? वैसे देखा जाए तो आपने 2004 में मैंने काम स्टार्ट किया था, उसके बाद फनकारी किया था, फिर मैंने फनकार 420 किया, फिर ऐसे आस्ते तो वो सामने मैंने लॉन्च नहीं किए थे इतने बड़े पैमाने पे, तेरी है ज़मीन हम थी काफ़ी है, और ये कहें कि बीच में काफ़ी ऐसे काम थे जो हम मेरा वो मेरे काम डिस्प्ले नहीं हो सके ना, मैं डिस्प्ले कर पाया इस चीज़ को, अगर देखा जाए तो मेरी सुस्ती कह लें जो भी चीज़। अब इसको देखें, इस जो मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आज मुझे वो चीज़ मिली है, अप्रिसिएशन मिली है, मिली है कि मैं वही चाह रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं काफ़ी नर्वस था, काफ़ी मुझे नहीं पता था कि ऐसा मुझे फीडबैक मिलेगा इस काम का,